नमस्कार दोस्तों, मैं रोशन आप सभी दोस्तों को स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल रोशन 760 गैलवे में। दोस्तों, आज की वीडियो उन तमाम लोगों के लिए खासकर बनी है जो लोग नए नए इस बिजनेस को स्टार्ट करना चाह रहे हैं या फिर स्टार्ट कर चुके हैं। यदि आपके टीम में कोई व्यक्ति स्टार्ट कर रहे हैं इस बिजनेस को, तो स्टार्ट करने के बाद उसे इस वीडियो को जरूर दिखाएं, या फिर स्टार्ट कर चुके हैं तो उन लोगों को जरूर दिखाएं, और पुराने लोगों को रिवाइज हो जाएगा एक नई अंदाज में, क्योंकि पुराने लोगों के पास ऑलरेडी ये जानकारियां होंगी। दोस्तों, डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में सफलता की सीढ़ी लिस्ट को माना जाता है। जिन व्यक्ति का जितना बड़ा लिस्ट दोस्तों, शायद वो व्यक्ति उतनी ही बड़ी कामयाबी को प्राप्त कर सकता है। तो लिस्ट बनाना सीखना बहुत जरूरी है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम एक लंबा लिस्ट बनाना सीखेंगे। लोग कहते हैं कि मेरे पास लिस्ट में लोगों के नाम मैं कहां से लिखूं, कैसे आएगा लोग, 100 लोगों की लिस्ट कैसे बनेगी। दोस्तों, मैं आपको 1000 प्लस लोगों के लिस्ट बनाने का तरीका आज की वीडियो में सिखाने वाला हूं। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं वो लिस्ट बनाने की प्रोसेस वाली वीडियो बड़ी ही अनोखी अंदाज में। आज की बेहतरीन टॉपिक है दोस्तों, लिस्ट बनाना सीखें। जैसे कि पिछले वीडियो में मैंने वादा किया था कि इस टॉपिक को लेकर मैं वीडियो बनाऊंगा। MLM में दोस्तों, बिजनेस में सक्सेस का जड़ दोस्तों वो लिस्ट बनाना ही है। यहीं से शुरुआत होती है MLM की। MLM में यदि आपको बहुत बड़ी टीम बनानी है दोस्तों, तो आपका लिस्ट का ज़्यादा से ज़्यादा बड़ा होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जितनी बड़ी आपकी लिस्ट होगी दोस्तों, उतनी ही बड़ी आपकी टीम बन पाएगी। तो यदि आप चाहते हैं लिस्ट आपका बड़ा से बड़ा बने, तो इस वीडियो को शुरू से लेकर के लास्ट तक जरूर देखिए, क्योंकि इस वीडियो में बहुत सारी ऐसी टिप्स बताई जाएगी जिस टिप्स के चलते आप अपने लिस्ट को बहुत ही लंबा, जैसे कि आपने थंबनेल में देखा 1000 प्लस, तो 1000 प्लस दोस्तों आपकी लिस्ट बनेगी और ज़रूर बनेगी। तो उसके लिए आपको इस वीडियो को पूरा शुरू से लेकर लास्ट तक देखना पड़ेगा। अक्सर लोग कन्फ्यूज हो जाते हैं कि उन लिस्ट में हम किनका नाम लिखें। मेरे तो बहुत सारे परिचित लोग हैं, लेकिन उनमें से हम नाम किसका लिखें इस लिस्ट में। तो दोस्तों, जितने भी आपके परिचित लोग होते हैं, उन सभी लोगों को अलग अलग कैटेगरी में मैं समझाऊंगा कि वो किस कैटेगरी में आपके परिचित लोग आते हैं, या फिर जो परिचित नहीं होते हैं, क्या वो भी आपका लिस्ट का हिस्सा बन सकता है। तो हाँ दोस्तों, तो पहला दोस्तों उसका हिस्सा है दोस्तों, परिचित लोगों में से पहला है वो आपका हॉट मार्केट, दूसरा है दोस्तों वार्म मार्केट, तीसरा है कोल्ड मार्केट, और चौथा है फ्रेश मार्केट। चलिए एक एक करके समझते हैं। हॉट मार्केट वो मार्केट का लोग होता है दोस्तों, ये कोई मार्केट नहीं है, ये आपके पहचान है, आपकी पहचान का मार्केट है ये। वो लोग जो आप पे 100% भरोसा करता हो, वो व्यक्ति हॉट मार्केट की श्रेणी में आएंगे। आप विश्वास करते हो ये मैंने नहीं रखता है, वो आप पे 100% विश्वास करता हो, जैसे कि आपके पापा, आपके भाई, आपके चाचा, आपके जिगरी दोस्त, ये दोस्तों हॉट मार्केट की श्रेणी में आएंगे। दूसरा है दोस्तों वार्म मार्केट, जो 50% विश्वास करने वाले लोग होते हैं, यानी आधा अधूरा विश्वास करने वाले, जैसे 10 दोस्त में से 2 तो आपका जिगरी होता है हॉट, लेकिन बाकी के जो 8 होते हैं वो हो सकता है आधा अधूरा विश्वास करने वाले होंगे। पहले जांचते हैं, परखते हैं, बातों की सच्चाई तक जाते हैं, तब जाके कहीं आप पे विश्वास करते हैं। यदि आपका एक्सीडेंट हो गया, तो पहले पता लगाएंगे कि एक्चुअल में हुआ है या नहीं, कि मजाक कर रहा है, सही बोल रहा है गलत, तब जाके कहीं आप पे विश्वास कर पाएंगे ना। आधा अधूरा विश्वास वाले लोगों को हम वार्म मार्केट की श्रेणी में रखेंगे। तीसरा है दोस्तों कोल्ड मार्केट। कोल्ड मार्केट वह मार्केट का लोग होता है दोस्तों, जो 5% विश्वास करने वाला होता है, 5% या 0 भी मान ले इसे। तो ये मार्केट के कौन से लोग होते हैं, ये वो लोग होते हैं जो आपके रिश्तेदारों से या फिर अपने दोस्तों के मुंह से सुने हुए रहते हैं। जैसे दोस्त का दोस्त जैसे हुआ, जैसे आपका दोस्त कोई मोहन हुआ, मोहन ने सोहन के बारे में चर्चा किया, जिसको आप देखे नहीं हैं, लेकिन सोहन के बारे में जानते बहुत कुछ हैं, क्योंकि आप उस सोहन की चर्चा मोहन के द्वारा आपके पास हुआ था। उसी तरह जब रिश्तेदारी में जाते हैं, तो एक रिश्तेदार के मुँह से किसी दूसरे रिश्तेदार के बारे में सुने हुए होते हैं। तो वैसे लोग जिनके बारे में आप जानते तो हैं, वो भी शायद आपके बारे में सुना हुआ होता है, लेकिन आप मिले नहीं होते, वो कोल्ड मार्केट। और अगला है चौथा फ्रेश मार्केट, यानी 0% विश्वास करने वाला, यानी अनजान व्यक्ति। तो आप कहेंगे क्या अनजान व्यक्ति भी हमारे लिस्ट का हिस्सा हो सकता है, बिल्कुल हाँ दोस्तों। तो बोलेंगे अनजान व्यक्ति को किसका नाम लिखें,
दुनिया में तो बहुत सारे अनजान व्यक्ति हैं दोस्तों। इस फ्रेश मार्केट में वो लोग लिखाएंगे, जैसे आप बस में सफ़र करते हैं, ट्रेन में सफ़र करते हैं, बाज़ार में जाते हैं, कहीं पर भी किसी अनजान व्यक्ति से ऐसे ही बातचीत हुई और बातचीत थोड़ी सी लंबी हुई और आपको लगता है कि दोस्ती हो गई, तो आप उन व्यक्ति को फ्रेश मार्केट की श्रेणी में रखेंगे। यानी अचानक किसी से मिलना, थोड़ी जान पहचान हुआ, नंबर का आदान प्रदान हुआ आपस में, कार्ड का आदान प्रदान हुआ, यानी विजिटिंग कार्ड यदि आपके पास है तो कार्ड का आदान प्रदान हुआ, जो आगे बात होगी, आगे और भी आपसे संपर्क में जुड़े हुए रहेंगे, ऐसा वो कहता है जैसे, या फिर आप कहते हैं, तो ऐसे लोग फ्रेश मार्केट की श्रेणी में आते हैं दोस्तों। चलिए ये तो समझ गए, लेकिन इसके आगे भी कुछ है। आगे ये है कि इस मार्केट में हम किस आधार पर रखें लोगों को। बहुत सारे लोग हॉट मार्केट में हैं, हमको तो बहुत सारे लोगों का नाम भी नहीं याद आएगा। नाम याद दिलाने के लिए दोस्तों एक टिप्स है। सबसे पहले आप चार पेज लीजिए और चारों पेज में अलग अलग मार्केट का नाम लिख दीजिए, एक में हॉट, दूसरा में वार्म, तीसरा में कोल्ड, तीसरा में चौथा में फ्रेश। अब जैसे जैसे उसमें नाम बढ़ता रहेगा तो आप पेज की संख्या आपकी बढ़ती रहेगी, लेकिन पेज चार ही होगा, चार तरह का ही पेज होगा, जिसमें नाम बढ़े तो उसका पेज का संख्या बढ़ गया। अब मैं आपको ये बताता हूँ कि उसमें नाम किस हिसाब से लिखना है। यदि आपको याद नहीं आ रहा है कहाँ से लिखे, किसको लिखे, तो याद आने के लिए दोस्तों कि आपको किस हिसाब से लिखना है, तो उसके लिए एक तरीका है, दो तरीका है। एक है दोस्तों की तरफ से लिस्ट बनेगा और दूसरा रिश्तेदारों की तरफ से लिस्ट बनेगा। तो दोस्तों की तरफ से कौन कौन से, तो पहला दोस्तों गाँव के दोस्त, यानी आपके गाँव में आपके घर के आस पड़ोस में बहुत सारे ऐसे दोस्त होते हैं, गांव में बहुत सारे दोस्त होते हैं जिनसे आपकी पहचान होती है, तो उन दोस्तों का नाम लिखेंगे। अगला है स्कूल का दोस्त, स्कूल में आप पढ़े हैं, बहुत सारे लोग आपसे संपर्क में होंगे, जो लोग संपर्क में नहीं होंगे तो संपर्क वाले लोगों से उनका नंबर लेंगे, फिर उनसे बातचीत करेंगे, तो स्कूल के दोस्त। कॉलेज के दोस्त सेम उसी तरह से, कॉलेज में यदि आप पढ़े हैं तो कॉलेज के दोस्त हुए, कॉलेज में दोस्त बहुत सारे दोस्त हैं जिनका आपके पास नंबर नहीं है, जान पहचान तो है, तो उनका संपर्क उन व्यक्ति से लेंगे जिनसे आपका अभी प्रेजेंट में संपर्क है। अगला है दोस्तों बाज़ार के दोस्त, जब आप बाज़ार जाते हैं तो बाज़ार में बहुत सारे दोस्त आपके बन जाते हैं, जैसे बाज़ार के दुकानदार वगैरह वगैरह वगैरह, बहुत सारे लोग दोस्त बन जाते हैं, तो ऐसे दोस्त बाज़ार के दोस्त कहलाएंगे। अब जिस मार्केट में जो लोग आएंगे उस पेज में उसका नाम लिखते चले जाइएगा। अगला है दोस्तों दोस्त का दोस्त, दोस्त का दोस्त मतलब आपका कोई दोस्त है और उसका भी कोई दोस्त है जो आपका जान पहचान का है, तो वो भी तो आपके लिस्ट में आ सकते हैं, डायरेक्ट आपका दोस्त नहीं है लेकिन दोस्त का दोस्त होने के नाते आपका वो भी तो दोस्त है। अगला दोस्तों सोशल मीडिया, यानी फेसबुक पे दोस्तों आपको हज़ारों फ्रेंड होते हैं, क्या हज़ारों फिर दोस्त सिर्फ लाइक और कमेंट करने के लिए रहेंगे, क्या उसे आप एक मौका नहीं दे सकते अपने जीवन को बेहतर करने का, तो फेसबुक के भी दोस्त को भी नाम लिख सकते हैं, इंस्टाग्राम के दोस्तों को भी नाम लिख सकते हैं। बिजनेस यदि आप करते हैं दोस्तों, यदि सपोज डैट और साइड से आप MLM करते हैं, तो बिजनेस में भी आपके बहुत सारे दोस्त होंगे जान पहचान के, उस बिजनेस करने वाले दोस्तों को आप ही नाम आप अपने लिस्ट में सम्मिलित कर सकते हैं। अगला दोस्तों यदि आप नौकरी करते हैं और साथ साथ MLM को पार्ट टाइम समय देते हैं, तो नौकरी जहाँ पे कर रहे हैं वहाँ पर भी बहुत सारे लोग होंगे, बहुत सारे दोस्त आपके होंगे, बहुत सारे पहचान के लोग होंगे, बहुत सारे एम्प्लॉय होंगे जो वहाँ पे काम करते होंगे और आपके दोस्त बने होंगे, तो उन लोगों का भी नाम आप लिख सकते हैं। अगला चलते हैं रिश्तेदारों की तरफ से, रिश्तेदारों में सबसे पहले चलेंगे अपने मम्मी पापा की तरफ से, तो मम्मी पापा की तरफ से कौन कौन हुआ, आपके चाचा जी हुए, चाचा जी के अलावा और भी लोग होते हैं, चाची जी हुई, चाची जी के गांव में बहुत सारे लोग होते हैं, पापा जी के जितने भाई हुए, मम्मी के जितने भी भाई हुए, नाना नानी की तरफ से, यानी जितने आपके नाना जी होते हैं, नाना जी के भाई लोग होते हैं, नाना जी के बेटे लोग होते हैं, यानी तीन नाना के तिनतिया 9 बेटे, तो ऐसे करके नानी जी के तरफ से भी लोग हो सकते हैं, फूफा फूआ के तरफ से भी आपके लोग हो सकते हैं जो आपके पहचान के हों, आपके परिचित के हों, तो फूआ फूफा के तरफ से जो लोग भी होंगे, फूआ के तरफ से तो आपका घर ही आ गया, फूफा के तरफ से फूफा का भाई, फूफा का चाचा, बहन बहनोई के तरफ से यानी बहनोई का भाई, क्या बहनों के घर में और भी लोग होंगे जिनसे आपका जान पहचान होगा, बहन तो आपके घर का ही हिस्सा हो गया, बहन को तो आप जानते ही हैं, चाचा चाची की तरफ से जैसे कि मैंने पहले चर्चा कर ही दिया है, यदि चाचा है तो चाचा जी का ससुराल भी तो होगा, यानी चाची का नैहर, वहाँ पे भी बहुत सारे आपके जान पहचान होंगे, एक तरह से वो आपका मामा गाँव ही हो गया, तो वहाँ से भी आप लोगों के नाम लिख सकते हैं। यदि आपकी शादी हुई है
ससुराल की तरफ से आपके साले हुए, आपके ससुर जी दो चार पांच भाई हैं, उनसे आपकी अच्छी पहचान बन गई है, आप पे वो पूरा भरोसा करते हैं। यदि आपकी शादी नहीं हुई तो आपके घर में यदि भाई हैं, आपके बड़े भाई छोटे भाई, तो उनके ससुराल वालों की तरफ से भी होगा, तो आप लिख सकते हैं, अपने भाभी के गांव की तरफ से लिख सकते हैं। इस तरह से दोस्तों आप देखें तो लिस्ट भरमार बन जाएगी, रिश्तेदारों के रिश्तेदार। चलिए इसको समझते हैं। जब भी किसी शादी ब्याह में, मुंडन संस्कार में, या फिर किसी के मरने के उपरांत जब सारे रिश्तेदार कहीं पर इकट्ठा होते हैं, तो उसमें बहुत सारे रिश्तेदार से आपका जान पहचान होता है, माने रिश्तेदार के रिश्तेदार से भी जान पहचान आपका होता है, तो वो भी तो आपके लिस्ट का हिस्सा बन सकता है। वहाँ पर बहुत सारे लोग होते हैं, तो उस तरह से आप देखेंगे तो आपके लिस्ट, मैंने 1000 कहा, आप 1000 से प्लस का लिस्ट बना सकते हैं, समझे। यदि वीडियो समझ में ना आ रहा हो तो इस वीडियो को दोबारा देखिएगा, पूरी तरह समझ में आएगा कि कैसे लिस्ट बनाया जाएगा। इस तरह से दोस्तों आपका लिस्ट 1000 से ऊपर पार हो जाएगा। होगा या नहीं बताइए, बिल्कुल होगा दोस्तों। और आपको पता है यदि इस आधार पर यदि बैठ के सोचा जाए तो लिस्ट 1000 प्लस होगा। पहले गांव के दोस्त, तो गांव के दोस्त के बारे में सोचेंगे, और जिस मार्केट में वो लोग आएंगे, हॉट में आएंगे तो हॉट में लिखेंगे, वार्म में लिखेंगे तो वार्म का आएगा तो वार्म में लिखेंगे, कोल्ड में आएगा तो कोल्ड में लिखेंगे। और हॉट वार्म कोल्ड फ्रेश मार्केट को कैसे पहचानना है, इस तरीका को तो पहले मैंने बता ही दिया आपको। जब लिस्ट तैयार हो जाता है तो लिस्ट में काम किस मार्केट से आप शुरुआत करें, कहाँ से शुरुआत करें। आपके तो 4 कैटेगरी में लिस्ट बने हैं, हॉट वार्म कोल्ड फ्रेश, तो आप किस मार्केट से शुरुआत करें। तो दोस्तों यदि आप इस बिजनेस में जल्द से जल्द बड़ा पैसा और बड़ी कामयाबी चाहते हैं, तो एक और एकमात्र ऑप्शन है, वो है आपका हॉट मार्केट। हॉट मार्केट दोस्तों बगैर सवाल जवाब किए आपके साथ तुरंत काम को स्टार्ट कर लेंगे, क्योंकि वो आप पे 100% भरोसा करते हैं। आप करते हैं या नहीं करते, लेकिन वो यदि आप पे करता है, और हॉट मार्केट का वही लोग हिस्सा बनेगा, तो दोस्तों वो लोग आपके साथ तुरंत काम स्टार्ट कर लेंगे। तो हॉट मार्केट से काम करना इस बिजनेस में बहुत ज़रूरी है। इसके बाद हॉट मार्केट ख़त्म हो गई तब जाकर के वार्म मार्केट में जाइए, और उसको धीरे धीरे रिलेशन बना के हॉट बनाइए, जाकि वो 50% से 100% भरोसा करने लगे, तब आप वार्म मार्केट से भी काम कर सकते हैं। अगला है कोल्ड मार्केट, तो कोल्ड मार्केट को भी रिलेशन बनाइए धीरे 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 धीरे, तब जाकर के आप वार्म के बाद कोल्ड पे आइए। अब जब कोल्ड वार्म बनेगा, वार्म हॉट बनेगा, तो उस तरह से आप कोल्ड मार्केट से काम कर सकते हैं। अगला है फ्रेश मार्केट, तो ये दोस्तों सबसे अंतिम उपाय होता है, एक तरह से बाजी खेलने के बराबर होता है दोस्तों। लेकिन दोस्तों बाजी में और यहाँ में फ़र्क होता है, वहाँ पे दोस्तों जीतना तुक्का होता है और हारना लमसम में हमें पता होता है कि हम हार ही सकते हैं। कोल्ड और फ्रेश मार्केट से काम करने के लिए दोस्तों आपको काफ़ी वक्त लग सकता है, शायद सालों कई साल, लेकिन दोस्तों सफलता मिलेगी। यदि आपकी कठिन परिश्रम, लगातार परिश्रम रही, तो सफलता ज़रूर मिलेगी। पहले आप उनसे रिलेशन बनाकर उसे अपना हॉट मार्केट, वार्म मार्केट बनाइए, तब जाकर के इस बिजनेस का उसे ऑफर दीजिए। ऐसे नहीं कि 2-4 दिन 10 दिन जान पहचान हुआ, बातचीत हुई और डायरेक्ट बोल दिए कि मेरे पास ऐसा काम है करो, तो वो लोग डायरेक्ट मना कर देगा, क्योंकि अनजान पे भरोसा लोग बहुत कम करते हैं, नहीं ही करते हैं। लोग अपनों पर भरोसा नहीं करते तो अनजान पर क्या करेंगे। तो दोस्तों इसमें इसीलिए थोड़ा सा समय लग सकता है, उसमें रिलेशन बनाइए आप, इसके बाद काम को शुरुआत कीजिए फ्रेश मार्केट से। योर सक्सेस इन योर हैंड, यानी आपकी सफलता आपके हाथों में है, आप अपने हाथों से जितनी बड़ी लिस्ट बना सकते हैं उतनी बड़ी लिस्ट बनाइए।